राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम आषाढ़ मास में किए जाने वाले कोकिला व्रत की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ मास में कोकिला व्रत धारण करने का क्या विधान है, क्या तरीका है, इस व्रत में क्या खाया जाता है, व्रत की क्या कहानी है और व्रत का कौन सा गीत है, वो भी सुनेंगे। आइए आज हम कोकिला व्रत का संपूर्ण विधान जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। विशेषकर स्त्रियों को इस व्रत को करने से 7 जन्म तक पुत्र सौभाग्य और सुख संपत्ति का वरदान मिलता है। व्रत का विधान, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य में रहकर कोकिला व्रत करूंगी। इसके पश्चात दूसरे दिन श्रावण मास की प्रतिपदा को किसी पवित्र नदी कुएं तालाब पर जाकर स्नान करके यह बोलना चाहिए, मम धन धान्यदि सहित सौभाग्यम प्राप्तर्थे शिव तुष्टे च कोकिला व्रत महम करिष्ये। उसके पश्चात आरंभ में 8 दिन तक भीगे और पिसे आंवलों में सुगंधित तिल का तेल मिश्रित करके उससे स्नान करें। फिर उसके अगले दिन 8 दिनों तक भिगोई हुई मुरामासी, वच कुष्ठ, जटामासी दोनों, हल्दी मुरा, शिलाजी, चंदन, वच, चंपक, नागरमोथा आदि 10 औषधियों को मिश्रित करके उससे स्नान करना चाहिए। इसके अगले 8 दिनों तक पिसी हुई बच के जल से स्नान करें और अंत के 6 दिनों तक पिसे तिल, आंवल व सर्वौषधि के जल से स्नान करें। इस प्रकार प्रतिदिन स्नान करके पीढ़ी द्वारा बनाई हुई कोयल अर्थात लाख की कोयल, आंख में मोती, तांबे की चोंच, चांदी की झाड़, सुनार से बनवा लेना चाहिए और चंदन, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, तिल, चावल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस प्रकार सावन पूर्णिमा तक करके अंतिम दिन तांबे के पात्र में मिट्टी की कोयल या कोकिला को वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करके सास को भेंट कर देवे। ऐसा करने से स्त्री पति के साथ सुख सौभाग्य का भोग करके पार्वती जी के धाम को जाती है। इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी का रूप मानकर ही पूजा की जाती है। उद्यापन में हवन करना चाहिए, साड़ी, ब्लाउज, मंगल सूत्र, चांदी की बिछिया, तांबे का कलश एक ब्राह्मणी को भोजन करा कर के दान में देना चाहिए। यह कोकिला व्रत 12 वर्षों में आता है। जब 2 आषाढ़ हो तो पहले आषाढ़ में अधिक मास और दूसरे आषाढ़ में कोकिला का व्रत किया जाता है। इस व्रत में 1 माह तक किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। नदी या तालाब पर स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल कर स्नान किया जाए तो भी पवित्र नदी में स्नान किया हुआ माना जाता है। प्रतिदिन शाम को कोयल की आवाज सुनकर ही भोजन करना चाहिए। अगर किसी दिन कोयल दिखाई नहीं दे तो उस दिन उपवास रखना चाहिए। यह व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति चांदी या सोने की कोयल या चांदी का झाड़ बनाकर उद्यापन के समय ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दान में देना चाहिए और कोयल की या कोयल की प्रतिमा बनाकर के उसकी आरती उतारनी चाहिए। इस व्रत में भोजन 1 बार करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ, चोरी, पर निंदा से बचना चाहिए। यह व्रत महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत में कोकिला का गीत इस प्रकार है, काली कोयल बोले कु, मतवाली कोयल बोले कु, अमुआ की डाल पे बोले कु, सरोवर की पाल पे बोले कु, तू बोले तो सोने का हार बनाऊं, तू बोले तो रुपिया का कमखा बनाऊं, तू बोले तो हीरों का चीर उड़ाऊं, तू बोले तो फूलों के झूले पर झिलाऊं, काली कोयल बोले कु, इस तरह यह गीत गाना चाहिए। आइए अब हम कोकिला व्रत की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महान यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा। सभी देवताओं और ऋषियों में
ऐसा कोई नहीं था जिसको उन्होंने न बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपने ही जवाई शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग में अनेक विमान जाते हुए देखे, जिसमें सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विराजमान थे। तब सती ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये देवगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? तब महादेव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि हे नाथ, हमको भी चलना चाहिए। महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, हमको तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सती ने हठ पकड़ ली। महादेव जी के समझाने पर भी सती नहीं मानी और वे अपने पिता के यज्ञ में जाने लगी। तब महादेव जी ने सती के साथ अपने गणों को भी भेज दिया, परंतु वहां जाने पर सती का अत्यंत अपमान हुआ। कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी माता और बहनें भी पिता के डर से सती के करीब नहीं आई। यह देखकर सती दुखी हो गई और अग्नि प्रकट करके वहीं भस्म हो गई। यह देखकर सती के साथ गए गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया। उनमें से कुछ गण भाग कर शिवजी के पास गए और सारा समाचार कह सुनाया। सती के भस्म होने की बात सुनकर महादेव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेज दी। उन सब ने वहां विध्वंस प्रारंभ कर दिया। दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवता मार डाले गए। किसी की आंखें फोड़ दी तो किसी के दांत उखाड़ दिए। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब देवता मिलकर महादेव जी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न हुए शिवजी वहां प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगा करके जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित कर दिया गया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 बरस तक कोकिला बनकर वन वन में घूमती रहेगी। इस प्रकार सती 10,000 बरस तक कोकिला बनी रही। उसके बाद फिर पार्वती जी के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञा अनुसार आषाढ़ मास के दूसरे मास भर व्रत रख कर शिव जी का पूजन करने लगी। इससे प्रसन्न हुए शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया, इसीलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत पड़ा। यह व्रत कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए, इससे उन्हें मन प्रसन्न जीवन साथी प्राप्त होता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास में किए जाने वाले कोकिला व्रत की पूरी कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।